कर्नाटक और तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारत के राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है, लेकिन दक्षिण के मोर्चों को भी वो छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी लगातार दक्षिण भारत में जनाधार बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है। बीजेपी के मिशन 2024 के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। राजनीतिक विस्तार की कोशिशों में बीजेपी का रथ दक्षिण की ओर आते आते धीमा पड़ जाता है। तमाम प्रयासों के बाद भी मिशन दक्षिण विजय अभी भी बीजेपी के लिए अग्निपथ है, लेकिन बीजेपी ने न हार मानी न कोशिशें रोकी, बल्कि 2024 के आम चुनावों के लिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मिशन दक्षिण का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहां पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा, हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1980 के बाद से ही बीजेपी ने दक्षिण में पैर पसारने की लगातार कोशिशें की हैं, लेकिन केंद्र शासित पुडुचेरी और कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किले वो आज तक नहीं भेज पाए। पूरे 18 साल बाद बीजेपी ने फिर पूरे दल बल के साथ मिशन दक्षिण की ओर कूच कर दिया है। रण क्षेत्र के लिए चुना है हैदराबाद को, सामने है तेलंगाना और नजर में पूरा दक्षिण भारत। हैदराबाद की सड़कों पर और तेलंगाना में हर जगह एक जोश है, एक जिसे हम कह सकते हैं कि उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। मैं एक ही बात कहूंगा कि केसीआर को कि जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, अपने विरोधियों को दमन कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनपा हुआ है, लोगों में बहुत नाखुशी है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने सभी 119 विधानसभा सीटों पर 2 दिन का प्रवास किया। हर क्षेत्र में 7 बड़ी बैठकें की, 35,000 बूथ कार्यकर्ता जुटाए। यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आकर तेलंगाना रहने वाले हर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बैठकों का रोड मैप तैयार किया। माना जाता है कि पार्टी अध्यक्ष रहते अमित शाह ने मिशन दक्षिण का खाका खींचा था, जिसे अब वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा आगे लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना जाना और तमिलनाडु जाकर चुनावी बिगुल बजाना। हालांकि तमिलनाडु और केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतकर या मजबूत स्थिति दर्ज कराकर अभी से शेष दक्षिण भारत में अपने उभार का स्पष्ट संकेत देना चाहती है। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जान सके। दक्षिण भारत के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक 129 सांसद चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 5 राज्य बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए भी उन राज्यों में जनाधार बढ़ाना बीजेपी के लिए जरूरी है। तेलंगाना में हमें कमल खिलाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तेलंगाना के दिलों में नरेंद्र मोदी गारू है, तेलंगाना के मन में बीजेपी है, तेलंगाना के मन में
वसूली तंत्र को हटाने की छटपटाहट है। तेलंगाना का अक्का हो, चल्ली हो, अन्ना हो, तमड़ू हो, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, वसूली तंत्र वाली केसीआर को हटाओ और नरेंद्र मोदी गारू को लाओ। बीते कुछ समय में बीजेपी ने जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिशें दक्षिण के राज्यों में की हैं, वो उन्हें सत्ता तक ले जाने के लिए जी जान से जुटी है। हर कमी पर गौर हो रहा है, हर जरूरत पर काम।